हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के मुखिया दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के बीच बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक घोषणा भी कर दी। इस बैठक में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर डील भी फाइनल हो गई है। राज्य के 90 विधानसभा सीटों में जेजेपी 70 पर और आजाद समाज पार्टी 20 पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले तक जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था और सरकार में हिस्सेदारी थी। पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला राज्य के डिप्टी सीएम भी थे। आम चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे पर अनबन के बाद बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो गए थे। इसके बाद अब जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन पर जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दो महापुरुषों काशीराम जी और देवीलाल के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। इस गठबंधन से हम प्रदेश को लेकर आगे कैसे बढ़ें, इस पर काम करेंगे। किसान कैमरे की लड़ाई के लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे और किसानों को MSP कैसे मिले, इसके लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर विधानसभा के 36 बिरादरी को लेकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बोट क्लब के ऊपर जब काशीराम जी ने धरना दिया था तो उस समय देवीलाल जी सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। हम दोनों 36 के हैं और अगले 40-50 सालों तक किसान कैमरे को सम्मान मिले, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर जी, पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में मजबूत नींव डालने का काम करेंगे, हरियाणा में युवा सरकार बनाने का काम करेगी। वही आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा कि गठबंधन की घोषणा आज जरूर हुई है, लेकिन इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी। मेरा भरोसा है कि इनके और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लंबे समय से वहां काम कर रही है। पुरानी चीजों के लिए महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हरियाणा में जाट दलित समीकरण को साधने की कोशिश है। जेजेपी के पास उनके अपने जाट वोटर हैं, तो दूसरी ओर आज समाज पार्टी दलितों के सहारे हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने का काम करेगी। हरियाणा में पहले से ही इंडियन नेशनल लोक दल और BSP के बीच ऐसा गठबंधन है। ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे।